हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एकदम मसालेदार और बहुत ही टेस्टी दम आलू की रेसिपी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिए मैंने आधा किलो बेबी पटेटो, यानी छोटे वाले जो आलू आते हैं एकदम छोटे साइज़ के, तो यहाँ पे ले लिए मैंने आधा किलो। उसको मैंने बॉईल कर लिया अच्छे से और उसका जो छिलका है उसको हटा लिया और उसको एकदम ठंडा कर लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने दही एक कप। इस दही में डालूँगा मैं 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। तो नमक मैं अभी नहीं डालूँगा, बाद में डालूँगा। तो इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगा। तो सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं साइड में रख दूँगा। तो गैस पर रख दिया मैंने कढ़ाई। इसमें डाला है मैंने लगभग आधा कप रिफाइंड ऑयल। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 4 से 5 आलू जिसको हमने उबाला था। तो इसका एकदम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक, यानी ऊपर से इसकी अच्छी सी लेयर आने तक गोल्डन ब्राउन कलर की, तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे आलू हैं एकदम गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। तो अब इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इसका एक्सेस ऑयल है इसको निकाल दूँगा और इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा किसी प्लेट में। और बचे हुए आलू भी मैं इसी तरह फ्राई करके तैयार कर लूँगा, उनका सही नहीं गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो ये आलू भी हमारे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो ये तेल है इसको मैंने आधा तेल निकाल दिया है, आप देख सकते हैं आधा तेल इसमें बचा रहने दिया है। इसमें डाला मैंने 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हींग। अब इसमें डालूँगा मैं 1 टीस्पून फेनल सीड्स यानी सौंफ। इसमें डाले मैंने 1 टीस्पून मेथी के दाने। अब इसमें डालूँगा मैं 1 कप टोमेटो अनियन पेस्ट यानी टमाटर और प्याज का पेस्ट। हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको काट कर उनका अच्छा सा पेस्ट बना लिया। मैंने यहाँ पे ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाया है, दरदरा पेस्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। इसको मैं अच्छे से कुक कर लेना जब तक कि ये अच्छे से तेल में पक ना जाए और किनारों से तेल ना छोड़ने लगे, तो तब तक हम इसे पका लेना है। तो हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हैं इसके किनारों से जो तेल है छोड़ने लगा है और ये भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं टमाटर और प्याज। तो अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं हमारा दही का मिक्सर, यानी कि दही में हमने मसाले बनाए थे उसको हमें मिक्स किया था, तो मिक्सर इसमें डाल देना है। और इसमें जो लगा हुआ दही है इसको भी हमें इसमें निकाल देना है कढ़ाई में। तो इसको मैं लगातार मिक्स करते रहना है, नहीं तो हमारा दही जो है वो फट जाएगा। और यहाँ पर मैंने फ्रेश दही का यूज़ किया है, खट्टा दही नहीं लिया है। तो इसमें हमें एक उबाल आने तक इसे लगातार मिक्स करते जाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छा से उबाल आ चुका है, हमारा ये मसाला कितना सुंदर लग रहा है। तो अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं पानी। तो उसी बाउल में मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, तो इसमें लगभग मैंने 1.5 कप पानी का यूज़ किया है। तो थोड़ा पानी मैंने अभी डाला है, थोड़ा पानी मैं बाद में डालूंगा। तो इसको एक बार मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो इसमें मैंने बचा हुआ आधा पानी भी डाल दिया है, लगभग टोटल 1.5 कप पानी डाला है इसमें। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दूंगा। अब इसमें डालूंगा मैं 1 टीस्पून गरम मसाला, ये ऑप्शनल है। इस गरम मसाला डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो अब इसमें उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है हमारे सब्ज़ी में। तो अब इसमें डालूंगा मैं 1.5 टीस्पून नमक। तो नमक हमने पहले यूज़ नहीं किया था, तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अब इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो नमक को मिक्स कर दिया है, इसमें डाल दूंगा मैं फ्राई किए हुए पटेटो यानी आलू। तो आलू डालने के बाद इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगा और इसको एकदम गाढ़ा होने तक मैं इसे पका लूंगा। तो आलू फ्राई करने से क्या होता है कि हमारी जो इसकी लेयर्स है वो ऐसी बनी रहती है, हमारे आलू इसमें डालने के बाद मैश नहीं हो पाते। तो इसमें उबाल आ चुका है, अब इसको हमें एकदम गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सब्ज़ी को इतना गाढ़ा कर लिया है। आप अपने मन के अनुसार इसको कितना भी गाढ़ा रख सकते हैं। आप इस चाहें तो इसे ग्रेवी भी बना सकते हैं, ग्रेवी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है चॉप किया हुआ फ्रेश कोरिएंडर यानी हरा धनिया। तो इन सब्ज़ी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा।
तो हमारी जो आलू दम की सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो दोस्तों हमारी दम आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है, एकदम मसालेदार। तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।